हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हंसी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आप लोग को जॉब रोल बताने वाला हूँ उसमें जो काम है वो कहीं ना कहीं आपके जो एवरीडे लाइफ है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अमेज़न की तरफ से यहाँ पे जॉब रोल के बारे में, जो कि डिजिटल डिवाइसेस के बारे में, जिसमें एलेक्सा का सपोर्ट होता है। आप लोग को काफ़ी सारे लोग जो है एलेक्सा को यूज़ भी करते होंगे और इनकी डिजिटल डिवाइसेस भी होती हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे कि इनका इको डॉट होता है, अमेज़न का इको डॉट, जिसमें आप लोग वहाँ पर वॉइस कमांड दे सकते हो एलेक्सा को। एलेक्सा एक वॉइस असिस्टेंट है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है, तो यहाँ पर वो कनेक्ट कर लेता है जो भी आपके घर पर जो भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसे कभी लाइट जल जाती है या फिर पंखा चलने लगता है, तो ये सब डिवाइसेस होते हैं। उसके अलावा इनके और भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फायर स्टिक हो गया, आप स्मार्ट टीवी में कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आपके पास चैनल आ जाते हैं। इसी तरीके से एक अमेज़न का किंडल है, जिसमें आप लोग किताबों को पढ़ सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये सारे डिवाइसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे काम होता है, इसमें अगर मैं कोई कमांड दूँ तो वो वर्क कैसे करता है, ये सारा अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो दोस्तों ये जॉब रोल आप ही के लिए फिट होता है। यहाँ पे दोस्तों जो वर्क करना होगा इसमें सिंपली एलेक्सा के साथ जुड़ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो भी इश्यूज़ आते हैं या फिर इसमें और कैसे इसको एनहेंस किया जा सकता है, यही सारा काम आप लोग का होने वाला है। तो कुल मिला के जितने सारे लोग आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, सभी लोग इसमें एप्लीकेबल हो। अब दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर दो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। वो एक तो ये है कि मैं आप लोग को 6-7 बेनिफिट इसकी बताने वाला हूँ, और एक दूसरा जो वीडियो के एंड में आप लोग को मैं एक एक्स्ट्रा बोनस टिप बताने वाला हूँ, जिसको आप लोग यूज़ करके आप सभी लोग इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे बता रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, तो जो ये रोल जो आप लोग को मिलेगा इसमें आप लोग का जो सैलरी स्टार्टिंग का है वो आप लोग का 3,25,000 है। तो इसमें 3,25,000 या 20,000 जो है इसमें आप लोग का मंथली आएगा लगभग 20,000 से 25,000 रुपये आप लोग का। उसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ, इनके पास जीटा मील कार्ड होता है, ठीक है, तो ये लगभग 1100 पर महीना आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। इसमें आप लोग को जीटा कार्ड के जो भी मील्स होते हैं उसको आप लोग का यहाँ पे रिमबर्स हो जाता है, ठीक है। नाइट शिफ्ट अलायंस आप लोग को मिलेगा, जिसमें आप लोग का 150 हर नाइट का है, मतलब अगर आप लोग नाइट शिफ्ट करते हो तो उसमें 150 रुपये अलग से आप लोग को उस दिन का मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, अगर आप लोग यहाँ पे ओवर टाइम करते हो, जैसे कि अगर कोई काम है उसमें आप लोग और भी ज़्यादा 1-2 घंटे कर लेते हो तो उसका भी अलग से अलाउंस होता है, ये एक बेनिफिट हो गया। तीसरी चीज़ दोस्तों ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे इंटरनेट रीइंबर्समेंट भी दिया जा रहा है, और कितना दे रहे हैं, 1250 रुपये हर महीना। इसका मतलब अगर आप कोई बेस्ट अच्छी सी प्लान भी लेते हो ब्रॉडबैंड का तो वो 1250 में कवर हो जाएगा ईजिली, तो हाई स्पीड इंटरनेट की भी चिंता आप लोग को नहीं करनी है। और उसके अलावा जो अगला चीज़ है वो डेस्कटॉप प्रोवाइड भी करते हैं ये अमेज़न। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, कई लोग कहते हैं भाई वर्क फ्रॉम होम ही है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि ये वर्क फ्रॉम होम है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, जिसमें आप लोगों को मैं 4 लोकेशंस बताने वाला हूँ कि दिल्ली है, पुणे है, हैदराबाद, सिकंदराबाद है और एक कोलकाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि डेस्कटॉप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरनेट का रीइंबर्समेंट भी होगा, तो आपका सिलेक्शन के बाद जो प्रोजेक्ट आप लोग को मिलेगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे या फिर आप लोग को वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाएंगे। तो जो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा और जो प्रोजेक्ट की डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग का ये सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी बात की आपको चिंता नहीं करनी है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को हफ्ते में जो 7 दिन है उसमें सिर्फ 5 दिन ही आप लोग को वर्किंग करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग को सैटरडे संडे ही छुट्टी मिले, आपको मंडे ट्यूसडे या फिर वेंसडे थर्सडे इस तरीके की मिलेगी छुट्टी, लेकिन 2 दिन ज़रूर मिल जाएगी छुट्टी, ठीक है। नाइट शिफ्ट इसमें रहेगा, इसमें क्लियरली मैंशन किया हुआ है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ का जो डिपेंडेंट है, मतलब आपके जो तुरंत जो डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि स्पाउस हो गए और आपके अगर चिल्ड्रेन हैं, तो उनका जो है कवर किया जाएगा 5 लाख रुपए तक, ठीक है, जो भी बेनिफिट इनकी है उनके 5 लाख के अंदर इनका जो है कवर किया जाएगा, जो भी इंश्योरेंस वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, और एक मैंने बेनिफिट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें उसको आप लोग यूज़ करोगे तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हो सभी लोग उसको एप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ जॉब्स के अकॉर्डिंग, अमेज़न ही नहीं काफ़ी सारे और भी जॉब्स अपडेट हैं, उसमें आप लोग उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पे जितने भी अपडेट्स आते हैं मैं देता रहता हूँ समय समय पे, उस पर आप लोग क्लिक करके उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो, तो ये एक एक्स्ट्रा आप लोग के लिए एडवांटेज रहेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे एक और है कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये जो जितने मैंने बेनिफिट्स बताए उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपके लिए कौन सा है, तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दो। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर मार देना, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना और बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली
अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। अब दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग इस तरीके के अमेजन के जॉब पोर्टल पे आ जाओगे, ठीक है। मैं आप लोग को ये लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, आप अपने सिंपली किसी भी अपने स्मार्टफोन पे ओपन कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना, डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना तब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो तो जॉब रोल जो है वो डिजिटल डिवाइसेस एलेक्सा सपोर्ट के लिए ही है, ठीक है। जो भी इनके डिवाइसेस हैं जिसमें एलेक्सा बोलती है, ठीक है, एलेक्सा जो है सपोर्ट करती है, वो सारा आप लोग इसमें काम करोगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, तो ये मिनिमम 10+2 है, मतलब 12th पास आप लोग का होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये रहेगा। उसके अलावा जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस या डिग्री हो वो जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जैसा मैंने आप लोग को बताया, चार शहर में जो मेट्रो शहर है यहाँ पे दिया गया है, पुणे है, हैदराबाद, सिकंदराबाद है और कोलकाता है और दिल्ली है, इन चारों शहरों में ये रहेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डेस्कटॉप और रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट भी ये प्रोवाइड करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा सिलेक्शन के बाद कि आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर सैलरी मैंने बताया कि मैक्सिमम 3,50,000 जाएगा, 75,000 जाएगा, जो कि आप लोग का 20 से 25,000 रुपये इनिशियली बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नीचे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप तो प्रोवाइड करेंगे, 5-day वर्किंग वीक भी रहेगा और 2 consecutive days ऑफ रहेगा, मतलब लगातार 2 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए एक चीज़ इन्होंने बोला है कि एक्सलेंट इंग्लिश, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। बस इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई अप्लाई वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पे क्राइटेरिया 10+2 दिया गया है, कंफर्टेबल, आपको नाइट शिफ्ट में रहना चाहिए और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी रहनी चाहिए। ये जो फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म पे आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप लोग को सिंपली ये ब्लू बटन पर क्लिक कर देना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं, देखिए डिजायर्ड स्किल्स में इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी यहाँ पर काम रहेगा, ठीक है, कस्टमर का जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास इको डॉट है या फिर किंडल है, कुछ फायर स्टिक में मेरे प्रॉब्लम आ गए, तो मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें एप्लीकेशन नहीं आ रही। तो आपको स्टार्टिंग में अमेजन जो है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में जो है पूरी ट्रेनिंग दे दी जाती है इन सारे डिवाइसेस के बारे में, तो आप जो है एक्सपर्ट हो जाते हो और सारी चीज़ों को, इश्यूज को आप लोग बता देते हो कस्टमर को, ठीक है। इतना सा आप लोग का काम रहने वाला है। और आप लोग को एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे एक्सेल शीट जो आपका होता है, एमएस एक्सेल शीट, उसमें आप लोग को जरूर से जरूर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। मैंने काफी और भी वीडियोस में बताया हुआ है, एक्सेल के कोर्सेज भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ आप लोग उसमें अपना जो है कुछ काम कर लीजिएगा एक्सेल पे। आजकल तो स्मार्टफोन के प्ले स्टोर पर भी आ चुका है एक्सेल का एप्लीकेशन, आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है, तो वो जरूरी है। अब दोस्तों हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई पे ये जो ब्लू बटन है, इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, तो इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपली कुछ सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे रहेंगे जो कि कोई भी कर लेगा। वो ये है कि यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, सही डालना है, ठीक है। जेंडर आप लोगों को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आप यहाँ पे पूछा है कि क्या अमेजन का जो फ्यूचर इज हियर है, इसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तभी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड इन अ वर्चुअल हायरिंग इवेंट, ये जो वर्चुअल हायरिंग इवेंट हो रहा है, ठीक है, यहां पे आप लोग का क्या और चाहिए, तो आप लोग रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स लिख सकते हो या फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इस तरीके से लिख सकते हो। और यहां पे लिखा है कि वर्किंग एट अमेजन जो कर रहे हैं काम, उससे आप लोग और कुछ जानना चाहते हो तो यस करेंगे। विनिंग प्राइजेस, फन एक्टिविटीज भी चाहते हो, यस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे मेन है कि लोकेशन कौन सा आप चूज कर रहे हो। अगर आप लोग इन सारे चारों लोकेशंस में नहीं रहते हो, या तो आप लोग अपने इसके आसपास जितने भी स्टेट्स हैं या फिर वहां पे रहते हो, तो आप लोग उसको चूज कर सकते हो। जैसे कि हरियाणा वाले या फिर पंजाब वाले यहां दिल्ली को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेंगलोर वाले जो है हैदराबाद को चूज कर सकते हैं, जो नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो एरो बटन, इसको क्लिक कर दोगे, एरो बटन को क्लिक करने के यहाँ बाद वहाँ पे ऑप्शन जो है प्रॉम्प्ट आता है मैसेज कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग फॉर अस, वील कनेक्ट यू, ठीक है। आपके पास एक मेल आ जाता है और मेल में दोस्तों आप लोग का एक जो है टेस्ट लिंक आता है, सिंपल टेस्ट लिंक होता है दोस्तों अमेजन का असेसमेंट का। अगर आपको सिंपल सी इंग्लिश भी आती है तो आप लोग उसको कर सकते हो। अगर आप लोग जानना चाहते हो बिल्कुल डिटेल में वो टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से देते हैं, कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे, उसकी बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो मैंने आप लोग को बना के ऑलरेडी रखी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि भाई जो मैं आप लोग को एक बोनस टिप बता रहा था कि भाई उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि इन्होंने बोला हुआ क्लियरली एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। तो एक्सेलेंट हम अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप लोग को कम से कम इंग्लिश बोलने की तो ज़रूर यहाँ पर प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब ये ऑब्वियस ही बात है,
जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे लोग जो है हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोल पाते हैं लोग, ठीक है। तो उन लोगों का क्या है, उनको इंटरेस्ट भी है यहाँ पे अप्लाई करने का लेकिन इंग्लिश तो बोल नहीं पाते, तो उसके लिए एक समाधान है दोस्तों। आप अपने मोबाइल में सिंपली जैसे गूगल असिस्टेंट आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, हर आज के सबके स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड है उसमें गूगल असिस्टेंट होता है। आप लोग उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है वॉइस पूछता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो। अब बोलना क्या है वो भी वहाँ पर लिखा रहता है कि जैसे कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे, हे गूगल व्हाट इज़ द वेदर टुडे, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरीके की कई क्वेश्चंस वहाँ पे आते रहते हैं इंग्लिश में लिख के, उसको आप लोग बोल सकते हो और वहाँ से जो है गूगल जो है वापस आप लोग को रिप्लाई भी करता है। तो इससे आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे इस तरीके से बोलने से कैसा रिस्पॉन्स आता है और किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स को सेंटेंस में बनाया जाता है। तो एक मेरा एक एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप उसको खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये एकदम से नहीं होगा, आप लोग एक महीना दो महीना इसको प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपके पास मोबाइल रहता है, कभी भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर यहाँ पे जो है इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आप भले आप लोग इंग्लिश ना बोल पाते हो, बहुत कम बोल पाते हो, लेकिन अप्लाई ज़रूर करना ताकि आप लोग वो असेसमेंट टेस्ट तो ज़रूर दे पाओ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है। अब दोस्तों सारी की सारी डिटेल मैंने आप लोग को बता दी है, बस आप लोग नीचे मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों में से कुछ लोग या फिर कई लोग जो है अमेज़न में ऑलरेडी काम कर रहे हो, चाहे इस वाले रोल के लिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर ट्रॉन एसोसिएट के लिए, सपोर्ट सेलर सपोर्ट के लिए, जितने भी लोग आप लोग अगर सेलेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप जो है कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, क्या परेशानियाँ आई, और मुझे नीचे जो है ज़रूर इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करो और मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगा। और बाकी लोग जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या आपने पहले किसी अमेज़न के किसी रोल पर आपने अप्लाई किया है, कुछ आपका कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुआ, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर मार देना, और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना क्योंकि डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लाता रहता हूं। और दोस्तों यहां पे मैंने और भी वीडियोस दे रखी हैं अमेज़न के ही रिलेटेड, उन सभी को जाकर देख लेना क्योंकि ये सभी सभी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।